हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रिक वर्क के ऊपर, यानी कि ब्रिक वर्क से रिलेटेड जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं वो, और इसमें जो सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी, यानी कि जो मेजनरी वर्क है, तो इसमें हम सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है, तो उसका बहुत ही शॉर्ट ट्रिक मेथड में बताऊँगा आपको। तो ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो ब्रिकवर्क है और उसका रेशियो, तो जनरली केसेस के लिए हम बात करेंगे, 9 इंची का ब्रिकवर्क सबसे ज़्यादा हमारा यूज होता है 1:6 के रेशियो में, और हाफ ब्रिकवर्क हमारा यूज होता है 1:4 के रेशियो में। ठीक है, तो इन दो चीज़ों को लेके बात करेंगे, बाकी मैं सारे भी मोटार्स के बेस भी बता दूंगा। अगर कोई भी 1:4, 1:1 या 1:2 अगर कोई भी मोटार का रेशियो अगर आता है तो उसको आपको कैसे कैलकुलेट करना है तो ये भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगी, 1:6 जो ये रेशियो है, सबसे हमें फाइंड आउट करना होगा कि इसके अंदर सीमेंट की क्वांटिटी कितनी आती है और 1:4 के केस में सीमेंट की क्वांटिटी कितनी आती है। ठीक है, तो उसकी मैंने एक टेबल बनाई हुई है, ये देखिए आप। इस टेबल में मैंने सारे रेशियो लिखे हुए हैं, उसके बाद में इनका सीमेंट और फाइन या कोर्स एग्रीगेट, तो इसके अकॉर्डिंग जैसे कि 1:1 के रेशियो हमारा 1020 kg सीमेंट 1020 kg है, जो कि 20.4 सीमेंट बैग है, इसी के अकॉर्डिंग मैंने सारी लिखी हुई है। तो हमें उठाना है सिर्फ जिसका, जो हम फाइंड आउट करने वाले हैं 1:6 और 1:4, तो उसके लिए हमें एक इसको उठाना है 250 kg, और इसके बाद में हमें उठाना है 1:4 को 380 kg। ठीक है, तो ये चीज़ हमें सबसे पहले आपको याद करके ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप सिविल इंजीनियर तो ये आपके माइंड में होना चाहिए कि 1:6 के रेशियो में हमारा 250 केजी सीमेंट आता है और 1:4 के रेशियो में 380 केजी आता है, क्योंकि ये प्लास्टर में भी इसका सेम वही चीज़ मैं फॉलो करूँगा, क्योंकि प्लास्टर का मैं बाद में बताऊँगा, पहले हम ब्रिकवर्क की बात कर लेते हैं। तो अब कैलकुलेशन को स्टार्ट करने के लिए मैंने क्या किया कि 1:6 में जितना सीमेंट की क्वांटिटी आ रही थी 250 की से पीछे टेबल से मैं लेके आ गया, 1:4 की मैंने लिख दी, ये मैंने लिखा है 230 ब्रिकवर्क की कैलकुलेशन मैं यहाँ करूँगा, हाफ ब्रिकवर्क की यहाँ करूँगा। अब आपको एक चीज़ और याद रखनी पड़ेगी कि 1 क्यूबिक मीटर ब्रिकवर्क करने के लिए आपको जो मोटार की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो पड़ेगी 0.25, ये आपको याद रखना है ब्रिकवर्क के केस में 9 इंची के लिए ये 0.25 जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपका रेशियो चेंज हो जाएगा लेकिन ये मोटार की क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, यानी कि जैसे 1:6 है, 1:4 है, 1:3, 1:2, लेकिन उसका जो कोफिशियंट रहेगा 230 एमएम ब्रिकवर्क के लिए ये फ्रीज है, ये चेंज नहीं होगा। ऐसे ही हाफ ब्रिकवर्क के केस में जो 10 स्क्वायर मीटर, यानी कि 10 स्क्वायर मीटर हाफ ब्रिकवर्क करने के लिए आपको 0.28 क्यूब मोटार की जरूरत पड़ेगी, और ये आपका फ्रीज रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। आपका चेंज क्या होगा, ये रेशियो चेंज होंगे। ठीक है गाइस, तो अब हमें कुछ नहीं करना है कि जैसे अगर हमें 1:4 हाफ ब्रिकवर्क की कैलकुलेशन को ले लूँ तो इसको मुझे मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ 0.28 से, यानी इस सीमेंट की क्वांटिटी का 1:4 के अकॉर्डिंग इसमें मैं कैलकुलेट करूँगा तो मेरी सीमेंट की क्वांटिटी आ जाएगी 106.4 kg। तो ये हो जाएगा मेरा, इसको डिवाइड बाई 50 करोगे तो आपको बैग निकल आएंगे, यानी 2.128 बैग। ठीक है, इसी अकॉर्डिंग इसमें क्या करना है, 510 kg 1:3 के लिए, तो इनटू मल्टीप्लाई बाई 0.28, तो इसके बाद में आपकी जो क्वांटिटी आ जाएगी 142.8 kg, तो इसके अकॉर्डिंग आपके बैग आ जाएंगे, डिवाइड बाई 50 कर दोगे इसको तो बैग निकल आएगा 2.856 बैग, ये भी बैग। सेम यही फॉलो करना है, अब जैसे आपका ये 1 क्यूबिक जो ब्रिकवर्क के लिए आपको 0.25 की मोटार की ज़रूरत है, तो आपको क्या करना है कि आपको पता है 1:6 में 250 केजी सीमेंट आता है, तो 250 केजी मल्टीप्लाई बाई 0.25, तो ये आपका आ जाएगा 62.5, तो यानी कि ये आपका सीमेंट इसमें आ गया 1.25 बैग। ऐसे ही आपको इसमें करना है 380 केजी, इसमें आपको मल्टीप्लाई कैसे चाहिए, क्योंकि ये फ्रीज है, 0.25, तो ये आपका आ जाएगा 95 kg, मीन 1.9 बैग। ठीक है, तो यही इसका एक शॉर्ट प्रोसेस है। आपको बस माइंड में क्या रखना है कि अगर आपको 9 इंची का ब्रिकवर्क करना है तो आपको 0.25 आपका मोटार यूज होता है, ये आपको बिल्कुल माइंड में बिठाना है, और इसके बाद में 115 mm थिक जो ब्रिकवर्क है
उसका जो स्क्वायर मीटर निकालने के लिए 10 स्क्वायर मीटर के लिए आपका कितना यूज हो रहा है 0.28। इसको समझाने के लिए ना मैं आपको एक एनालिसिस दिखा देता हूँ। ये CPWD का एनालिसिस है, ये सब एट ब्रिकवर्क नंबर 6 का। अब जैसे इन्होंने ये जरूर ध्यान रखना है आपको कि इसमें जो ये 0.25 है ये नॉन मॉड्यूलर ब्रिक्स के लिए है जो हमारी सबसे ज़्यादा यूज होती है। मॉड्यूलर ब्रिक्स अगर है, अगर मॉड्यूलर ब्रिक अगर यूज हो रही है, वैसे होती नहीं है कहीं पर इतनी भी, मतलब कहीं भी यूज नहीं होती है, तो इसका जो 0.25 है ये 0.22 हो जाता है, यानी कि 0.22। तो यानी कि ये मोटार ही सीधा लिया गया है इसमें, जी देखो सीमेंट मोटार 1-4 ये एनालिसिस है, तो इसमें मोटार की सीधा ये लिखा हुआ है 0.25 मल्टीप्लाई बाई सीधे मोटार के रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इसमें सीमेंट या सैंड को अलग अलग करके नहीं दिखाया गया, ये एक कॉम्बिनेशन लेके ही इसका हम एनालिसिस करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि जो लोग आप बोलते हो कि थंब रूल में 1 क्यूबिक मीटर में 500 ब्रिक्स आती हैं, तो वो जो एग्जैक्ट ब्रिक का नंबर है वो 494 है, जो एनालिसिस में या रिकंसलेशन में लिया जाता है, जो यहाँ लिखा हुआ है। तो वो हम एक थंब रूल पे बोलते हैं कि हमारी 500 ब्रिक्स हैं, यानी कि नॉन मॉड्यूलर के केस में आपकी 494 ब्रिक्स हैं और मॉड्यूलर ब्रिक्स के केस में आपकी 486 ब्रिक्स हैं। ये इंटरव्यू के क्वेश्चन है, इंटरव्यू में लोग पूछते हैं। अब जैसे कि मैं चलता हूँ हाफ ब्रिकवर्क की तरफ, जो जैसे कि मैंने यहाँ आपको 0.28 दिखाया था ये वाली चीज़, तो अब इसमें देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट ये 10 स्क्वायर मीटर के लिए ये निकाला गया है, और इसमें आपकी जो क्वांटिटी ली हुई है मोटार की 0.28 ली हुई है, ठीक है गाइस। और बाकी जो इसमें 10 स्क्वायर मीटर के लिए ईंटें ली गई हैं 565 ब्रिक्स, यानी कि ये नंबर में है, तो आपको एक स्क्वायर मीटर में जो ब्रिक्स की क्वांटिटी जो नंबर है 56.5 नंबर आते हैं एग्जैक्ट एज पर CPWD, ठीक है गाइस। तो ये हाफ ब्रिकवर्क में इतने नंबर आ गए और वो उसमें हो गए हमारे 494। तो ये इंटरव्यू में ब्रिकवर्क से रिलेटेड जो हमारे मेन क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बताए हैं इस वीडियो में। अगर आपको तो गाइस सेम इसी के अकॉर्डिंग हम कोर सैंड या फाइन सैंड कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे 230 mm का ब्रिकवर्क 1 क्यूबिक के लिए जो हमारा सैंड की जरूरत पड़ती है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 1070 क्यूबिक मीटर 1070, यानी कि 1:3 से लेके 1:6 के रेशियो तक जो हमारी कोर सैंड या फाइन सैंड की जरूरत पड़ती है वो 1070 क्यूब है। तो सेम उसी मेथड में मैंने लिखा हुआ है 1:4:1:6 के लिए 1070 1.070 मैंने यहाँ लिख दिया क्यूब मल्टीप्लाई बाई 0.25 जो हमारा मोटार था, तो ये हमारी सैंड निकल आएगी 0.267। इसके बाद में हाफ ब्रिकवर्क के लिए 10 स्क्वायर मीटर के लिए हमें जरूरत पड़ेगी जो मैंने इधर लिखा 1.070 क्यूब मल्टीप्लाई बाई 0.28 इक्वल 0.299 क्यूब, ठीक है गाइस। तो इसी के अकॉर्डिंग हम सैंड भी कैलकुलेट कर लेते हैं और जो सीमेंट का प्रोसेस मैंने पीछे बताया था बिल्कुल दोनों सेम है। अब बात कर लेते हैं कुछ जनरल इंटरव्यू के क्वेश्चंस की। जैसे के बाद में ब्रिक्स की जो क्लासिफिकेशन है वो पांच क्लासिफिकेशन है हमारी, 12.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, इसके बाद 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 7.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये वाला जो 7.5 वाली जो ब्रेक है यानी कि 75 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये वाली ब्रेक हमारी सबसे ज़्यादा यूज होती है किसी भी प्रोजेक्ट में, ठीक है। इसके बाद हमारी 5 न्यूटन आ जाती है, इसके बाद 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तो ये इसके क्लासिफिकेशन है। और ये फर्स्ट क्लास में 12.5 इसको हम सीवर ब्रेक्स भी बोलते हैं, क्योंकि सीवर के मोस्टली केसेस में हमारी ये वाली ब्रेक यूज होती है, ठीक है गाइस। जैसे कि कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मोटार की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, वो है आपका स्टैंडर्ड साइज 10 mm से कम थिकनेस का मोटार नहीं होना चाहिए, यानी कि स्टैंडर्ड है ये हमारा 10 mm थिक। इसके बाद में क्यूरिंग, जो हमें क्यूरिंग करनी है ब्रिकवर्क की, एटलीस्ट जो मिनिमम है हमारा पीरियड, मिनिमम पीरियड है हमारा 7 days, यानी कि 7 days तक आपको क्यूरिंग करनी ही करनी है। इसके बाद में एग्जीक्यूशन में एक पार्ट और आता है कि जब जैसे कि आप हाफ ब्रिकवर्क करते हैं, यानी कि 4 इंची ब्रिकवर्क या 115 mm थिक का ब्रिकवर्क करते हैं, तो इसके हर एक चौथी लेयर पर, यानी एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, दो, तीन, चार, यानी कि ये जो चौथी लेयर होगी, यानी कि इनको अगर डिवाइड करेंगे तो इस चौथी लेयर पे आपको एक रेनफोर्समेंट स्टील भी आपको डालना पड़ता है इसके मोटार में, जो आपका 6 mm ऑब्लिक या 8 mm की बार होती है। तो ये सिर्फ हाफ ब्रिकवर्क के केसेस में यूज होता है और ये आइटम में मेंशन भी होती है, ठीक है गाइस। जब इसकी साइट पे हम टेस्ट करते हैं, जैसे कि वाटर जो है हमारा 24 घंटे इसमें डुबो के रखने पे
20% से ज़्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए उसके वेट का, तो ये एक जनरल क्वेश्चन है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आ जाता है डायमेंशन टॉलरेंस का, यानी कि डायमेंशन टॉलरेंस, यानी कि अगर देखो सबसे पहले इसके जो सैंपल के लिए जो ईंटें ली जाती हैं वो हमारी 20 नंबर ईंटें ली जाती हैं, यानी कि टोटल 20 ईंटें होती हैं जिसकी अगर लेंथ में रखोगे इन 20 ईंटों को तो उसका जो टॉलरेंस है प्लस माइनस 80 mm, ठीक है गाइस, लेंथ के केस में, यानी कि आपको जो 20 ईंटें रखनी है वो इस हिसाब से लेंथ में रखनी है, ठीक है गाइस। तो उसका जो मैक्सिमम टॉलरेंस है उसकी जो लेंथ कैलकुलेट करोगे आप तो प्लस माइनस 80 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में इसकी विड्थ में आप जाओगे, यानी कि अगर आप ईंटें ऐसी रख रहे हो विड्थ में तो ये आपकी 40 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए प्लस माइनस के केस में। अब आप आ जाओ हाइट के, तो हाइट में भी ये प्लस माइनस 40 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ये इसकी लिमिट्स हैं। तो गाइज जनरली यही क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यू के, तो आपको इन्हीं पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना है। बाकी फिर मैं बताऊंगा आपको थोड़ा और डिटेल में जब मैं एनालिसिस पे काम करूंगा। हाँ एक क्वेश्चन और है कि एक मैसन एक दिन में कितना ब्रिकवर्क कर देता है, ठीक है गाइस। तो ये इंटरव्यू में पूछा जाता है इसको कैसे ड्राइव करना है, इसका एक शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। सपोज जैसे मैंने इस एनालिसिस में 494 ब्रिक्स थी हमारी और मैसन था हमारा कितना 0.36, यानी कि 0.36 × 2, तो ये आ गया 0.72 मैसन जब लगे हैं तो वो कैलकुलेट कर रहे हैं इस पे 494 ब्रिक्स के लिए। तो यानी कि अब इसको आपको कैलकुलेट करना है कैसे, तो आपको करना क्या है कि 0.72 यानी कि एक मैसन को मैं लेता हूँ तो 0.72 से डिवाइड करूँगा तो ये मेरा आ जाएगा 1.38 टाइम्स, ठीक है। तो 1.38 टाइम्स को मल्टीप्लाई करना है 494 से, यानी कि 1.38 टाइम्स मल्टीप्लाई बाई 494, तो 686 ब्रिक्स आ जाती हैं। तो हम लोग थंब रूल में बोलते हैं कि 650 से 700 ब्रिक्स तक एक मैसन इमेजिनरी कर सकता है, ठीक है गाइस। तो ये इंटरव्यू में ब्रिक वर्क से रिलेटेड जो हमारे मेन क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बताए हैं इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको प्लास्टर के बारे में सेम प्रोसेस पे सेम मेथड बताऊंगा कि प्लास्टर की क्वांटिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें याद रखने वाली हैं, ठीक है गाइस। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।